बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो, इससे पहले मैंने आपको जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे वहाँ पर जो है वो मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया था, ठीक है। दी गई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से मैंने आपको जो है वो कॉमन लेना सिखाया था। अब यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, अगर आप इसे गौर से देखें तो यहाँ पर तीन टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में आपके पास, ठीक है। ये तीनों टर्म्स कैसी हैं कि यहाँ से देखें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। फर्स्ट टर्म आपके पास जो है स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। सेकंड में आपके पास वेरिएबल सिंगल फॉर्म में, बट थर्ड जो आपके पास यहाँ पे टर्म दी हुई है वो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो जो कि देखें इसको, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो इसको हम किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक दूसरी तरह की फैक्टराइजेशन है जो कि किससे रिलेट कर रही है, वो हमारे इस फॉर्मूले से रिलेट कर रही है। यानी कि हमने इसको अपने सवाल को जो है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो इसके फैक्टर्स बनाने होंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम इसको जो है वो इससे ही रिलेट क्यों कर रहे हैं, या हमने ये जो है वो मेथड या ये जो है वो फार्मूला क्यों चूज़ किया इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखें यहाँ पर अगर आप इस सवाल को, सॉरी इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो क्या है, स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। और इसी तरीके से देखें अगर आप अपने सवाल को देखें तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म में स्क्वायर मौजूद है और जो आपके पास कांस्टेंट नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें जो बी टर्म है आपके पास या जो बी है आपके पास वो कैसा नंबर है जो कि मल्टीपल ऑफ टू है, किसका, फाइव का। तो यहाँ पर आपके पास ये दो टर्म्स ऐसी हैं जिसे हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो बनाकर सॉल्व कर सकते हैं या इसके ज़रिए जो हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। किस तरीके से, ये देखिए। सबसे पहले देखिए सवाल को आपने नीचे कॉपी कर लिया, अब देखिए यहाँ पर ये 25 जो है वो मल्टीपल ऑफ टू किसका है, फाइव का, ठीक है। इस तरीके से यानी कि जो भी आपके पास नंबर है, ये देखिए 9 है, 16 है, 25 है, 4 है, ये कैसे नंबर हैं, ऐसा नंबर जिसे आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर्स। 9 है, 3 3s are 9, 16 है, 4 4s are 16, 25 है, 5 5s are 25। यानी कि ये नंबर्स क्या हैं, मल्टीपल ऑफ टू हैं, जिसको मज़ीद आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो अगर इस किस्म के आपके पास जो है वो कांस्टेंट नंबर्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के ज़रिए जो है वो उसको इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। या ये इस सवाल पे जो है वो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने सवाल को कॉपी कर लिया। अब सवाल को कॉपी करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस दे सकते हैं जैसे मैंने दिया, ठीक है। ये देखिए, अब देखें यहाँ पर आपके पास जो मिड टर्म है आपके पास, उसका साइन आपके पास है पॉजिटिव, ठीक है। तो हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैंने दोनों साइंस यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है। जो भी साइन होगा आप वही साइन जो है वो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। प्लस का साइन था इसलिए हमने प्लस का साइन वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इस पर, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पर है ए स्क्वायर, देखें स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है तो हम यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे, सिर्फ ए, ठीक है। इसी तरीके से देखें 25 है तो ये किसका मल्टीपल ऑफ टू है, फाइव का, तो वो नंबर आपने यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब देखें जो ये वाली टर्म आपके पास क्या है, 2ab, ठीक है। ए आपके पास क्या है, ए, एंड बी आपके पास क्या है, 5। तो ये चीज़ें आपने जो है वो यहाँ रखनी है, ठीक है। ये मिड टर्म आपने कैसे फिल करनी है, इन दोनों की मदद से। अब आप देखें अगर आप इस पूरी मिड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 5s are 10a, ठीक है। ये चीज़ आपने खुद से यहाँ पर बनाई है इन दो वैल्यूज़ के ज़रिए या इन दो टर्म्स के ज़रिए, ठीक है। ये चीज़ आपने खुद से बनाई है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, अगर सेम रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास उसका मतलब है आपने बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। या आप इसको चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 5s are 10a, ठीक है।
सिंपल, बस आपने इसको जो है वो फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे बनाया। अब देखें ये चीज़ किसके इक्वल हो जाती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल। तो फॉर्मूला हमारे पास ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का है, तो इसलिए ये किस में बंद हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। ए आपके पास क्या है, ए, एंड बी आपके पास क्या है, फाइव, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल किस्म की जो है वो फैक्टराइजेशन है। आपने जस्ट सवाल को देखना है, तीन टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है, फर्स्ट आपके पास जो है वो वेरिएबल फॉर्म में है और जो लास्ट आपके पास कांस्टेंट नंबर है, वो दो टर्म्स आपके पास ऐसी हैं जिनका आप स्क्वायर इस तरीके से बना सकते हैं या जो स्क्वायर बन सकती हैं, वो आपने क्या चीज़ करनी है, उनको इस तरीके से आपने जो है वो पूरा स्ट्रक्चर लिखा, स्क्वायर्स उनके बना लिए, और उसके बाद क्या करा आपने, इन दोनों टर्म्स को जो है वो मिड वाली टर्म में जो है वो फिक्स कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास मिड टर्म आ गए, इट मींस कि आपने बिल्कुल सही यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ किया या फार्मूला आपने बिल्कुल सही यूज़ किया है, और उसके बाद उसको क्या कर दिया आपने, फार्मूले में बंद कर दिया, और यह आपका सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर टू। जितने सवाल देखें मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊँगी, आपके लिए जो है वो समझने में उतनी आसानी हो जाएगी और जितने भी आपके जहन में पॉइंट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई सवाल आपकी समझ में नहीं आ रहा तो हम जिस तरीके से आगे उसको मज़ीद सॉल्व करते चले जाएंगे तो सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे आपके माइंड में। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो है वो अगेन तीन टर्म्स आ गई। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखें आपके पास जो लास्ट टर्म है, ठीक है, अब आप देखें मिड टर्म को गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, और यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास थर्ड टर्म जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर नहीं है, यहाँ पर देखें वेरिएबल भी इंक्लूड है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मिड टर्म में आपके पास दोनों वेरिएबल मौजूद हैं, एक्स भी मौजूद है और वाई भी मौजूद है, तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर नहीं हो सकता, अगर वेरिएबल भी है उसके साथ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर आपके पास है यहाँ पर स्क्वायर, और जो नंबर है आपके पास वो क्या है, 36, तो कौन सा ऐसा नंबर है या ये जो है वो किसका जो है वो मल्टीपल ऑफ टू है, 6 का, 6 6 36। ठीक है, अगेन देखें यहाँ पर आपने सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी नहीं करना, विद इन टू स्टेप्स में आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से देखिए स्ट्रक्चर आपने बना लिया, मिड टर्म जो है वो आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, एक्स के ऊपर जो स्क्वायर है वो आपने जो है वो यहाँ पे बाहर लगा दिया, अब अंदर क्या आएगा आपके पास, सिंपल एक्स। ठीक है, अब ये यहाँ पर है 36, 36 का जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर 6। ठीक है, 6 6 36, इस तरीके से देखना है आपने, और वाई के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आपने जो है वो बाहर लगा दिया ऑलरेडी, तो अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल वाई। ठीक है, अब ये आपके पास ए है वो आप यहाँ रख देंगे, ये आपके पास बी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो वो आप यहाँ रख देंगे 6y। ठीक है, लास्ट में आप क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, 2 6 12 xy। ठीक है, इट मीन्स आपने बिल्कुल सही फार्मूला बनाया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से अगेन आपने स्ट्रक्चर बनाया, एक्सपेंडेड फॉर्म में था, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आपने, ए की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स, एंड बी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 6y, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूँगी आपको समझने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इससे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास तीन टर्म है, सबसे पहले सवाल को मैंने नीचे कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपके पास कैसी है, वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई। ठीक है, मिड टर्म को देखें यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हो रहा है एक्स वाई। अब देखें यहाँ पर भी आपके पास जो है वो कोफिशेंट आ गया फर्स्ट टर्म में, कोई इशू नहीं है, अगेन आपने जो है वो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखें यहाँ पर आपके पास नंबर क्या है, 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 2 2 4। ठीक है,
एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स। ये 9 है आपके पास, किसका मल्टीपल ऑफ 2 है, 3। 3 3 ज़ा 9, ठीक है। वाई सिंपल, आपने क्या करना है, ये आ गया आपके पास 2x, ये आ गया आपके पास 3y। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 एक्स वाई, ठीक है। लास्ट में आपने इसको उस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर स्ट्रक्चर बना लिया, a आपके पास है 2x एंड b आपके पास है 3y एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है 16a² प्लस 40ab प्लस 25b². अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो 16 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। ए स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल a। इसी तरीके से ये 25 है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 5 5 ज़ा 25। बी स्क्वायर है तो अंदर आ जाएगा आपके पास सिंपल b। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4a, यहाँ आ जाएगा आपके पास 5b। लास्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a है आपके पास 4a एंड b है आपके पास 5b एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।